गुड मॉर्निंग रिवान वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ योर आई टी सब्जेक्ट दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो हमने जो है चैप्टर नंबर वन रिवाइज भी कर लिया है हमने उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कर लिए हैं हमने चैप्टर नंबर फोर विंडोज़ वो भी हमने रिवाइज भी कर लिया है हमने उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए हैं एंड चैप्टर नंबर टू रिवाइज हमने ऑलरेडी चैप्टर जब हम किया था तब किया था रिवाइज तो आज हम उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे एंड जो रिवीजन वाला पोर्शन है जो भी मैंने रिवीजन वाली आपको प्रीवियस वीडियो शेयर करी थी वही वीडियो मैं आज आपको शेयर कर दूंगी ठीक है रिवीजन के लिए तो आप रिवीजन के लिए वही वीडियो देख सकते हो एंड जो आज की वीडियो है वो सिर्फ एक्सरसाइज की एक्सप्लेनेशन होगी तो आपको ध्यान से समझना है एक्सरसाइज में क्या क्या क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स कैसे फाइंड आउट करोगे एंड आप उनको लर्न करोगे तो सबसे पहले इन द ब्लैंक्स है आपको यहाँ पे आ, हिंट्स भी दी हुई हैं वर्ड्स की ठीक है आपको इन्हीं हिंट्स में से एक फिलअप करना है यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर विच कैन बी टच एंड सीन वो वाले पार्ट्स जिनको हम टच कर सकते हैं एंड सीन मींस देख सकते हैं कौन से पार्ट्स होते हैं हार्डवेयर हमने पढ़ा हुआ है ना नेक्स्ट इज़ द डिवाइसेस विच आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा ऐसी डिवाइस जो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है क्या बोलते हैं हम उनको स्टोरेज डिवाइसेस ठीक है नेक्स्ट इज द डिवाइसेस विच गिव रिजल्ट्स आफ्टर प्रोसेसिंग आर कॉल्ड जो हमें रिजल्ट देती हैं प्रोसेस करने के बाद क्या बोलते हैं हम उनको आउटपुट डिवाइसेस ठीक है देन कम्स सेट ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस गिवेन टू दी कंप्यूटर कंप्यूटर को जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उसको क्या बोलते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर काम करने के लिए उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर नेक्स्ट इज द डैश मैनेजेज दी ओवरऑल वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर जस्ट लाइक द ट्रैफिक पुलिस मैन क्या होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नाउ द सॉफ्टवेयर दैट कैन डू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क इज़ कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर नो फॉल्स वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप का ही काम करता है ठीक है अ स्कैनर इज़ एन इनपुट डिवाइस येस स्कैनर जो होती है वो इनपुट डिवाइस होती है क्योंकि वो स्कैन कर देती है पिक्चर ले लेती है वो किसी भी वर्ड की कोई भी इमेज की और वो कंप्यूटर को दे देती है पेंट प्रोग्राम इज यूज फॉर ड्राॅइंग पिक्चर्स ऑब्वियसली येस नाम से ही पता चल रहा है पेंट करना अब प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस यस ट्रू हाँ जो प्रिंटर है वो आपको पेपर फॉर्म में देता है ना आउटपुट देता है आपको नेक्स्ट इज द डिवाइसेस थ्रू विच वी गेट आउटपुट आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस जिनसे हमें आउटपुट मिलता है क्या हम उनको इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं नहीं जब आउटपुट मिल रहा है तो ऑब्वियसली आउटपुट डिवाइसेस बोलेंगे ना तो इट इज़ फॉल्स अब नेक्स्ट इज योर मैच द फॉलोइंग यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में क्या है इधर कुछ थे वर्ड्स और आपके राइट साइड में भी कुछ वर्ड्स थे तो मैंने क्या किया है मैच नहीं करा है सो so दैट आपको कंफ्यूजिंग ना लगे बहुत ज़्यादा मिक्सअप ना हो जाए मैंने नंबरिंग कर दी है जैसे इनपुट डिवाइस सबसे पहला वर्ड है इनपुट डिवाइस इसको मैंने वन नंबर दिया है तो सिमिलरली यहाँ पे इनपुट डिवाइस से जो मैच होता है दैट इज कीबोर्ड बिकॉज कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है तो इसलिए मैंने कीबोर्ड को वन नंबर दे दिया अब जो है सिमिलरली टू नंबर मैंने दिया डेटा को तो अब यहाँ पे डेटा से क्या कौन सा मैच हो रहा है डेटा क्या होता है 90 प्लस एटी फाइव सिक्सटी प्लस सेवेंटी ये डेटा है तो इसको भी मैंने टू नंबर दे दिया है बट आपको मैच करना है मै, जैसे आप करते ही हो मैच दी फॉलोइंग देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कबीर सिंग्स अ सॉन्ग कबीर जो है वो गाना गाता है एंड रिकॉर्ड्स इन द कंप्यूटर और वो रिकॉर्ड करता है कंप्यूटर में विच इनपुट डिवाइस डिड यू डिड ही यूज़ कौन सी इनपुट डिवाइस यूज़ करी होगी उसने माइक्रोफोन जैसे हम बोलते हैं ना आपको आपको बोला जाता है कि टीम्स ऐप पर जब आप क्लास लेते हो तो आपको बोलते हैं ना अपना माइक ऑन कीजिए माइक ऑन मीन्स जब आपका माइक ऑन होता है तो आपकी आवाज़ कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो जाती है और फिर वो हमें सुनाई देती है ठीक है तो यहाँ पे माइक्रोफोन ही है जो वॉइस को रिकॉर्ड करता है शीना ड्रॉज़ अ ग्रीटिंग कार्ड यूजिंग अ स्पेसिफ़िक सॉफ्टवेयर शीना जो है वो ग्रीटिंग कार्ड ड्रॉ करती है एक स्पेसिफिक सा एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज़ करके तो वट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डिड शी यूज़ एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए कौन सा टाइप का सॉफ्टवेयर यूज होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है एम एस पेंट ओके नेक्स्ट इज आपको यहां पे वन वर्ड में आंसर करना है और डिवाइस विच इज कॉमनली सीन इन वीडियो पार्लर्स फॉर प्लेइंग गेम्स एक डिवाइस जो बहुत कॉमनली आप देखते हो अगर आप किसी वीडियो पार्लर में जाओगे आप वीडियो पार्लर, पार्लर मीन्स जहां पे वीडियो गेम्स होते हैं बहुत सारे तो वहाँ जाओगे तो आपको एक डिवाइस बहुत देखने को मिलेगी दैट इज़ जॉयस्टिक जिसको आप बिल्कुल ऐसे ऐसे घुमाते हो ना और फिर बिल्कुल वैसे ही वैसे अंदर गाड़ी चल रही होती है कंप्यूटर के अंदर दैट इज जॉयस्टिक अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू रिकॉर्ड आर वॉइस एंड अदर साउंड जैसा हमने अभी बोला वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सी डिवाइस होती है माइक्रोफोन सो आंसर इज माइक्रोफोन आप नेक्स्ट इज़ अ डिवाइस दैट कैन रीड वर्ड्स पिक्चर्स और नंबर्स फ्रॉम पेपर एंड स्टोर देम इन अ कंप्यूटर मतलब ऐसी डिवाइस जो पेपर से फ्रॉम पेपर पेपर से वर्ड्स को पिक्चर्स को नंबर्स को रीड कर देती है और फिर कंप्यूटर में स्टोर करवा देती है क्या डिवाइस होती है वो स्कैनर स्कैनर जो है वो पिक्चर की हर चीज़ की बिल्कुल इमेज ले लेता है एज़ इट इज़ और वो कंप्यूटर में स्टोर कर देता है ना आ डिवाइस विच इज़ यूज टू हीयर साउंड्स एंड म्यूज़िक स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर कौन सी डिवाइस होती है जिससे हम म्यूज़िक या साउंड सुन सकते हैं दैट इज स्पीकर हम बोलते हैं ना जब हमारा काम नहीं करता है ऑडियो जब हमें सुनाई नहीं देता हम बोलते हैं स्पीकर ख़राब हो गए हैं तो इट मीन्स स्पीकर जो है जहाँ से हमें साउंड और सॉन्ग्स वगैरह सुनाई देते हैं नाउ कमिंग टू सॉफ्टवेयर वॉट इज़ अ सॉफ्टवेयर एंड नेम इट्स टाइप्स सॉफ्टवेयर क्या होता है और इसके क्या क्या टाइप्स हैं तो सॉफ्टवेयर जैसा हमने अभी कुछ देर पहले भी बोला इज अ सेट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू दी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस है इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है जो कि कंप्यूटर को दिया जाता है टू डू अ पर्टिकुलर वर्क एक पर्टिकुलर वर्क करने के लिए सपोज ऐड करने के लिए जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ठीक है अब इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं टाइप्स कौन कौन से हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर जो पूरा कंप्यूटर संभालता है एंड बी सेकेंड पार्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो सिर्फ़ एक पर्टिकुलर काम करता है जैसा हमने पहले भी बोला ऐप अभी जो वीडियो मैंने आपसे शेयर करी आपने उसमें भी देखा होगा जो ऐप होता है हम व्हाट्सएप ऐप बोलते हैं ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्यों क्योंकि ये सिर्फ़ एक पर्टिकुलर काम करता है और ये फ़ोन पे नहीं भी होगा तो ऐसा नहीं है आपका फ़ोन नहीं चलेगा आपका फ़ोन तब भी चलेगा है ना सिर्फ व्हाट्सएप नहीं होगा आपके फ़ोन पर फ़ोन तो काम करेगा ना ठीक है तो एप्लीकेशन सिर्फ एक पर्टिकुलर काम करेगा व्हाट इज़ अ स्टोरेज डिवाइस नाम से ही पता चल रहा है स्टोरेज डिवाइस मींस जो स्टोर करे अच्छा तो डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा डेटा मींस इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसको हम बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस आई इस स्टोरेज डिवाइस इसका एग्जाम्पल हार्ड डिस्क बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क है सी के अंदर होती है मेन पार्ट होता है ये स्टोरेज डिवाइस का हार्ड डिस्क नेक्स्ट इज़ वट डू वी कॉल दी हार्डवेयर डिवाइस विच आर यूज टू एंटर वर्ड्स नंबर्स और पिक्चर्स हम ऐसी हार्डवेयर डिवाइस को क्या बोलते हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर वर्ड्स नंबर्स और पिक्चर्स को स्टोर करने के लिए यूज़ होती हैं दोज़ आर वी कॉल दैम इनपुट डिवाइस सेकेंड इज विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज फॉर टाइपिंग एंड मेकिंग करेक्शन्स इन दी टेक्स्ट टेक्स्ट में करेक्शन्स करने के लिए या टाइपिंग करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्ड पैड अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है अगर ये आपके कंप्यूटर में नहीं भी होगा तब भी आपका कंप्यूटर काम करेगा बस आप इसके थ्रू जो लिख पा रहे हो वो शायद आप ना लिख पाओ ठीक है एंड इवन आप इसको करेक्शंस भी कर सकते हो ठीक है नेम द प्रोग्राम यूज फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस ये तो नाम से ही पता चल रहा है ऐसा प्रोग्राम जो कैलकुलेशंस करे दैट इज कैलकुलेटर तो उसको हम कैलकुलेटर बोलते हैं नाउ कमिंग टू नेक्स्ट थिंग ये आपका यहाँ पे पज़ल है ब्लू कलर में ठीक है यहाँ पे वन नंबर लिखा है इसका मतलब कि वन नंबर की जो हिंट है आपको यहाँ पे गिवन है वन नंबर ठीक है तो ये वन पे जो भी वर्ड लिखा हुआ होगा दैट उसकी हिंट हमें यहाँ गिवन है सिमिलरली यहाँ देख रहे हो टू लिखा हुआ है टू का मतलब फिर से ये जो हॉरिजोंटल लाइन में ऐसे लाइन में ऐसे लेफ्ट टू राइट जो जा रहा है इसमें जो वर्ड आएगा वो सेकेंड नंबर पे उसकी हिंट गिवन है ये सेकेंड नंबर की जो हिंट है वो यहाँ लिखा होगा थर्ड नंबर की जो हिंट है उसका वर्ड कहाँ पे आएगा आंसर यहाँ पे हम थर्ड ढूंढते हैं ये रहा ओ अगेन यहाँ पे आपका ऐसे जाएगा फिर फोर्थ की जो हिंट है वो तो साफ साफ पता चल रहा है बॉक्स ऊपर से नीचे जाएगा ये लेफ्ट टू राइट नहीं है ये ऊपर से नीचे है सिमिलरली सिक्स का भी जो बॉक्सेस हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे जो वर्ड्स होंगे तो अब हम यहाँ पे वर्ड्स को फिल करने के लिए पहले हिंट पढ़ेंगे फर्स्ट नंबर की हिंट है आई एम अ मशीन दैट कैन डू वेरियस जॉब्स हम मैं एक मशीन हूँ जो बहुत सारी जॉब्स कर सकती हूँ तो ऑब्वियसली कंप्यूटर है तो हमने वन को फिलअप कर दिया कंप्यूटर की स्पेलिंग लिख के सी ओ एम पी यू टी ई आर कंप्यूटर फिलअप हो गया सेकेंड की हिंट क्या है आई रिकॉर्ड वॉइस एंड अदर साउंड इन टू कंप्यूटर तो ऑब्वियसली ये क्या होगा माइक्रोफोन सेकेंड हिंट थी तो सेकेंड नंबर कहाँ पर ये रहा तो यहाँ पे हम माइक्रोफोन लिखेंगे एम आई सी आर ओ पी एच ओ एन ई सिमिलरली आप ऐसे करके हिंट्स रीड करोगे द रिजल्ट विच वी गेट ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड आउटपुट तो जहाँ पे भी थ्री नंबर लिखा है वहाँ पे आउटपुट फिल करोगे आई कैन कॉपी वर्ड्स पिक्चर्स और नंबर्स प्रिंटेड ऑन पेपर इन टू द कंप्यूटर तो मैं कौन सी चीज़ें हैं जो रीड करके कंप्यूटर में फीड करते हैं? स्कैनर एस सी ए एन एन ई आर तो ये फोर्थ नंबर की जो हिंट है वो फोर नंबर्स नंबर के जो बॉक्सेस हैं उनमें आ जाएगी देन हम आते हैं आई प्ले म्यूज़िक स्टोरड इन अ कंप्यूटर कौन प्ले करता है म्यूज़िक को स्पीकर प्ले करता है आई एम अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू टाइप वर्ड्स लेटर्स एंड कैरेक्टर्स कौन सी डिवाइस है जो कैरेक्टर्स लेटर्स को स्टोर करती है या टाइप करने में हेल्प करती है कीबोर्ड की बोर्ड से ही हम टाइप कर पाते हैं ना सो इट इज़ के ई वाई बी ओ ए आर डी की बोर्ड आई एम अ डिवाइस दैट इज़ यूज फॉर प्लेइंग गेम्स गेम्स को प्ले करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज़ होती है जॉय स्टिक जो अभी हमने पढ़ा वह बहुत सारे वीडियो पार्लर्स में मिलेगा आपको जे ओ वाई एस टी आई सी के सेवन थिंट थी ठीक है ठीके? तो हमने सेवन नंबर के बॉक्सेस में उसको फिल कर दिया नेक्स्ट था हमारे हमें बताना था ये कुछ वर्ड्स हैं इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइसेस हैं और कौन सी आउटपुट डिवाइसेस हैं माइक्रोफोन वॉइस को रिकॉर्ड करता है कंप्यूटर के अंदर स्टोर करता है तो इनपुट जॉयस्टिक आप जॉयस्टिक से प्रेस करते हो घुमाते हो तो वो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर चली जाती है तो इनपुट प्रिंटर कंप्यूटर को कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन को बाहर देता है प्रिंटर पेपर फॉर्म में तो आउटपुट स्कैनर क्या करता है सारी इमेजेस ले, ले लेता है और कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर देता है इनपुट अंदर कर देता है कीबोर्ड हम वर्ड्स लेटर्स को एंटर कराते हैं कीबोर्ड के थ्रू अगेन इनपुट कंप्यूटर के अंदर स्पीकर सॉन्ग्स म्यूजिक को बाहर वो करता है आउटपुट करता है सो so दैट हमें सुनाई दे तो ये क्या है आउटपुट डिवाइस है माउस माउस से भी हम प्रेस करके इन्फॉर्मेशन अंदर देते हैं कंप्यूटर को तो ये इनपुट डिवाइस है और मॉनिटर मॉनिटर में हमें चीज़ें दिखाई देती हैं बाहर की तरफ तो कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन को मॉनिटर के थ्रू हम तक पहुंचाता है बाहर तक पहुंचाता है है ना तभी तो हमें दिखता है वो स्क्रीन पे, क्योंकि वो कंप्यूटर से अंदर को बाहर की तरफ आ रहा है ठीक है तो दैट इज़ आउटपुट डिवाइसेस तो आप जो है ये सारे क्वेश्चंस करोगे सेम वही चीज़ ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स एंड मैच जो है वो आप बुक में ही करोगे क्वेश्चन आंसर्स आप अपनी कॉपीज में करोगे